नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साम्य संबंधी विचार द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये सातवां चैप्टर है, ये ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से, इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं जो साम्य संबंधी विचार हैं उसके प्रकार जो हैं, विभिन्न प्रकार हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ साम्य के बारे में देखने वाले हैं। स्थिर को इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं, अस्थिर को अनस्टेबल और तटस्थ को न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए इन तीनों को समझ लेते हैं एक ही वीडियो में, एक ही इस क्लास में। सबसे पहले स्थिर साम्य की बात करते हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, रुका हुआ होना, ठीक है? अब समझते हैं। जैसा कि स्थिर शब्द से स्पष्ट है कि यह साम्य स्थिर है, तो आप जानते हैं इसके शब्द से ही मतलब निकल रहा है कि ये जो साम्य, ये इक्विलिब्रियम बन रहा है वो स्थिर है। जैसे कि ये आपका सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, तो यहाँ पर जो आपका ई बन रहा है ना, इक्विलिब्रियम, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर बन रहा है ना, ये स्थिर साम्य है, यही चीज़ ये बता रहा है। प्रारंभ में कुछ परिवर्तन के कारण साम्य टूट जाता है, परंतु साम्य के टूटते ही कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्यशील हो जाती हैं जो प्रारंभिक साम्य को फिर से जोड़कर पहले वाली स्थिति तक पहुँचा देती हैं। तो ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका स्थिर साम्य है कभी कभी टूट करके यहाँ बन जाता है या तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है? लेकिन कुछ शक्तियाँ काम करती हैं, जो दोनों शक्तियाँ काम करती हैं, मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई वाली जो होती हैं वो काम करती हैं, और फिर से यही साम्य यहाँ पर आ जाता है, ये कह रहा है। मतलब ये स्थिर साम्य होता है, अपनी जगह पर फिर से वापस आ जाता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है? ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। इसी के आधार पर प्रोफेसर मार्शल ने जो था प्राइस का डिटर्मिनेशन निकाला था। अभी हम अगले स्लाइड में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है अस्थिर साम्य, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अस्थिर साम्य, अस्थिर का मतलब क्या होता है, जो अस्थिर है, एक जगह रुकता ही नहीं, इधर भागता है, उधर भागता है, दूसरी जगह भागता है और अपनी जगह वापस नहीं आता है। अस्थिर साम्य जब एक बार भंग हो जाता है तो वह अपने मूल स्थान पर वापस नहीं लौटता है, बल्कि दूसरे स्थान पर नया साम्य स्थापित करता है। तो अस्थिर साम्य का मतलब ये समझिए, यहाँ पर एक साम्य बना इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरा साम्य कट करके यहाँ बन गया। तो अब ये जो साम्य यहाँ बना है वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। पिछले वाले केस में आ गया था, वो स्थिर साम्य था, यहाँ नहीं आएगा। फिर नया साम्य दूसरी जगह बनेगा, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, कहीं पर भी बनेगा, फिर वहाँ से वो वापस नहीं आएगा, यही ये कह रहा है। अस्थिर है, होता है, अनस्टेबल होता है। अगला है तटस्थ साम्य, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तटस्थ साम्य का अभिप्राय उदासीनता से नहीं है, बल्कि तटस्थता का अभिप्राय उस दशा से है जब प्रारंभिक साम्य भंग होकर अपनी पुरानी दशा में वापस नहीं लौटता है, बल्कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है कि मान लीजिए ये साम्य यहाँ पर बना एक, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम बना, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ये SS यानी सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, और यहाँ पर ये देखिए दोनों शक्तियाँ आपस में न्यूट्रल कर रही हैं, मतलब एक दूसरे की जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर, बिल्कुल शून्य कर दे रही है, और यहीं पे इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है। मान लीजिए ये हट करके अब नया इक्विलिब्रियम, पहले यहाँ पर बन रहा था, अब ये यहाँ पर बनता है, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर बनता है, तो जाके यहीं पर स्थायी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर स्थायी हो गया तो ये तटस्थ साम होगा, अगर यहाँ से दूसरी जगह फिर चला गया, फिर चला गया, फिर चला गया, तो अस्थिर साम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर से वापस यहीं पे आ गया, तो वो स्थिर साम्य हो गया। यही इनके एग्जाम्पल हैं, यही उदाहरण है समझने का। अब हम एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ब्रीफ में तीनों पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसा पहला देखिए, प्रथम प्रकार का साम्य, प्रथम कौन सा था, स्थिर साम्य, स्टेबल इक्विलिब्रियम। प्रथम प्रकार का साम्य टूटने के बाद फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाता है, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या है, दूसरे प्रकार का साम्य टूट जाने पर अपनी जगह पर वापस नहीं आता है, कोई दूसरी जगह पर स्थापित होता है, फिर वहां से फिर ऐसे भागता रहता है, हर जगह मंडराता रहता है, ठीक है, ये साम्य होगा। अंतिम प्रकार का साम्य प्रारंभिक दशा से हट कर कहीं और स्थायी हो जाता है, ठीक है, ये चीज हमने देखा। अब एक पॉइंट सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद ही इधर आइएगा, क्योंकि MCQ में या फिर नेट वगैरह एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इस पे हम ध्यान देते हैं नहीं। समझिए, उपर्युक्त तीनों साम्य में केवल स्थिर साम्य का ही आर्थिक विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, शेष साम्यों का केवल सैद्धांतिक महत्व है। इसमें कह रहा है जो स्थिर साम्य है हम केवल आर्थिक विश्लेषण में इसी का प्रयोग करते हैं। क्यों इसी का करते हैं, क्योंकि ये स्थिर होता है, क्योंकि बार बार अगर बदलता रहेगा उसका हम अध्ययन करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, ये चीज़ कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्थिर जो स्टेबल साम्य होता है उसी को आर्थिक विश्लेषण में इंक्लूड किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बाकी का सैद्धांतिक महत्व है, उसको समझे समझते हैं हम, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखो, एक ग्लास है यहाँ पर, एक ऐसे ग्लास रखा हुआ है,
मान लीजिए वो सीधा ग्लास है, उसके अंदर अंदर आप एक बॉल डाल देते हैं, मार्बल डाल देते हैं। अब मुझे बताइए, इसी को स्थिर साम्य बोलेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ग्लास उठ हिलाएंगे तो ये हल्का सा इधर इधर जाएगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, फिर से अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। पहला वाला प्रकार हो गया। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए हम इस ग्लास को उल्टा कर देते हैं और इस बॉल को उसके ऊपर रख देते हैं। अब मुझे बताइए, ग्लास अगर हिला ना, तो ये जो या तो इसके इधर खिसकेगा या तो इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा तो ये जहां पर जाएगा वहां से वापस यहां पर, मान लीजिए आगे गिर करके, तो ये वापस वहां पर जाएगा, जा ही नहीं सकता है। इधर आएगा ऐसे ही, यहां पर आया तो वापस जाएगा, नहीं जा सकता है, और कहीं दूर चला गया वहां से भी वापस ना तो इस जगह पे आएगा ना तो इस जगह पे आएगा। यही चीजें बोल रहा है। अब देखिए तटस्थ साम्य क्या होता है, ये वाला साम्य, ये साम्य मान लीजिए यहां पर बना और यहां से करके टूट करके मान लीजिए इधर साइड में आ गया और नया साम्य यहां पर बना। तो अब ये वाला साम्य क्या होगा ना, अपनी जगह पे तो वापस नहीं जाएगा लेकिन यहां पर स्थायी हो जाएगा। यही कह रहा है, ये तीनों प्रकार के साम्य हो गए हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम एक, हमने भी आपको बताया था ना, स्थिर साम्य का ही आर्थिक विश्लेषण में महत्व है, प्रयोग किया जाता है, बाकी का सैद्धांतिक है। तो स्थिर साम्य का हम एक यूज करके तो देखें, प्रयोग करके तो देखें, तभी तो समझ में आएगा। अब देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने मूल्य निर्धारण की व्याख्या स्थिर साम्य के अंतर्गत की है, उसी के अंतर्गत आती है। तो हम देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का यूज कैसे किया। यहां पर देखिए, वाई एक्सिस पर आपकी वस्तु की कीमत दी गई है और एक्स एक्सिस पर मांग की पूर्ति दी गई है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये बात समझेगा। चित्र में डी डी और एस एस मांग और पूर्ति की रेखाएं एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती हैं। बिंदु ई साम्य की स्थिति को व्यक्त करता है। इस साम्य पर वस्तु का मूल्य ओपी तथा मांग ओ एन है। आप जानते हैं यहां पर जो एस एस है, ये हो गया सप्लाई एंड डिमांड हो गया। यहां पर एक दूसरे को ये जो विरोधाभासी शक्तियां हैं यहां पर शून्य कर रही हैं। यहीं पर आपका प्राइस निर्धारित हो जाएगा ओपी, ध्यान रखिएगा ओपी, और मात्रा कितनी हो जाएगी, ओ एन हो जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से क्या होता है, वस्तु का मूल्य ओपी से बढ़ करके ओपी वन हो गया हो तो पूर्व साम्य टूट जाएगा। अब मान लीजिए कोई कारण हुआ होगा, किसी की आय बढ़ गई होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले ये वस्तु की कीमत थी, अब वस्तु की कीमत जो है यहां से घट करके यहां पर आ गई है, ठीक है। तो नया साम्य कहां स्थापित हो गया, यहां पर स्थापित हो गया, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी देखिए एन वन पर आ गई, ठीक है। अब ओपी वन मूल्य पर वस्तु की मांग ओ एन से घट करके ओ एन वन हो जाती है, जबकि इसी मूल्य पर वस्तु की पूर्ति ओ एन से बढ़कर ओ एन टू हो जाती है। इसका कहने का मतलब है, जब प्राइस बढ़ गया तो इसकी देखिए मांग कम हो जाएगी ना, पहले मांग यहां पर थी लेकिन अब मांग यहां तक ही रहेगी। क्यों, आप जानते हैं जब प्राइस बढ़ जाता है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी मांग होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इसकी सप्लाई देखिए, सप्लाई इतनी हो जाती है यहां पर, तो यहां पर देखिए नया साम्य बन रहा है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अर्थात अब देखिए, यह असंतुलन बहुत समय तक नहीं रहेगा। अभी जो असंतुलन है ना दोनों, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बढ़े हुए मूल्य पर वस्तु को बेचने के लिए विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होगी। भाई वस्तु कम आ रही है मार्केट में, ठीक है, उस पर ऊंचे दामों पर बिक रही है, तो लोग क्या करेंगे, और ज्यादा वो लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे होगा क्या, विक्रेता धीरे धीरे वस्तु की कीमत को घटाएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता होगी ना कि भैया हमारे वहां खरीद लो हमारे वहां खरीद लो, और कीमत घटने की यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि मांग व पूर्ति का संतुलन फिर से स्थापित ना हो जाए। संक्षेप में यह क्रिया ई साम्य तक चलती रहेगी और ये क्रिया फिर से यहीं पर आके रुक जाएगी आके, ठीक है। तो यही चीज ये कह रहा है। अब हम उल्टा लेते हैं इसका, पहले मूल्य बढ़ा था, अब हम मूल्य को घटा के देखते हैं, ठीक है। दूसरी दशा में यदि वस्तु का संतुलन मूल्य किन्हीं कारणों से घटकर ओपी टू हो जाए तो भी प्रारंभिक साम्य टूट जाएगा। पहले ओपी था, अब ओपी टू हो जाए, यहां पर आ जाए, मतलब ये वाला ओपी टू हो जाए, ठीक है, तब भी क्या होगा, संतुलन टूट जाएगा। ये चीजें कह रहा है, मूल्य के टूटने पर वस्तु की मांग ओ एन से बढ़कर ओ एन टू के बराबर होगी। अब देखो मूल्य टूटा तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी ना, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, जबकि वस्तु की पूर्ति घटकर ओ एन हो जाएगी, जबकि पूर्ति कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। वस्तु के मूल्य में कमी आने से मांग बढ़ेगी, तो आप जानते हैं वस्तु की मूल्य में कमी हुई तो मांग बढ़ी, जबकि पूर्ति घटेगी। यह भी असंतुलन की स्थिति है, परंतु यह स्थिति भी अधिक समय तक नहीं रहेगी। पूर्ति की कमी के कारण सभी
उपभोक्ताओं को वस्तुएं नहीं मिलेंगी। अब पूर्ति की कमी हो गई, सभी उपभोक्ताओं को वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, ठीक है, वे वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्य देंगे। अब वो कहेंगे भैया हमको चाहिए, भले हमसे पैसा ज्यादा ले लो। अब मूल्य मूल्य बढ़ाने की यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि मांग पूर्ति का पूर्व साम्य फिर से स्थापित ना हो जाए। तो यहीं पर आके फिर से स्थापित हो जाएगा, ये चीज कह रहा है। धन के दूसरे केस में यहां पर साम्य बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर से क्या करेगा, ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये साम्य फिर से यहां पर स्थापित नहीं हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हुआ क्या, स्थिर साम्य में अस्थायी परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन बाद में यह स्थिर हो जाता है, फिर से वहीं पर आके रुक जाता है, ये कह रहा है कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्य होते हैं वो क्या होता है।